राजा को एक जगह कोई शादी ब्याह था, भंडारा चल रहा था। राजा को वहां पर से भोजन की पत्तल दी, एक चील उड़ती उड़ती आई और पत्तल झपट करके ले गई। एक चावल का दाना राजा की मूछ पर लग गया। रानी भी आगे गई, एक तालाब के किनारे पर पहुंची। वहां पर मछली पकड़ने वाला मछलियां भूज रहा था। रानी को मछली खाने को दी, लेकिन एक वहां पर भी चील उड़ती उड़ती आई और मछली को झपट करके ले गई। रानी के मुख पर पे भी एक दाना लग गया। जब राजा आया तो रानी समझी कि राजा जिम लिया, और जब रानी आई तो राजा समझा कि रानी जिम ली। आगे चले तो रानी का पियर आया। गांव के बाहर कुएं की पाल पर बैठे तो पानी भरने वाली एक दासी मायके में से आई। वो रूप बना करके राजा रानी ने, रूप छिपा करके राजा रानी ने उस दासी से कहा कि जाओ, तुम्हारी महारानी से कहना कि हमको नौकरी पर रखेंगे कहीं, लेकिन बस दो काम नहीं करेंगे। कौन कौन से? एक तो बच्चा की गंदगी साफ नहीं करेंगे, और दूसरा काम बिस्तर नहीं उठाएंगे। दासी ने घर जाकर के कह दिया कि दो व्यक्ति आया है, उनके काम पे रख ले वाकई। तो मालकिन ने कहा रख लो, दो काम वे नहीं भी करेगा तो भी धकेगा। अब तो राजा नल और रानी दमयंती रूप छुपा करके अपने मायके में रहने लगी। राजा को तो घोड़े की और वहीं पर रोटी करके खाएगा। रानी बोली कि सब सामान ले जाओ। जंगल में दोनों गए, सब सामान ले गए, वहां पर नहाए धोए, दशा माता की पूजा करी, दोरे छोड़े, रसोई जिम कर आए तो उनके तो सब राजा का ही ठाट बाट हो गया। उसने सिर धोया था तो दमड़ी का सिर घुसने लगी, और दमड़ी का सिर में पदम था तो माँ का आंख में से आंसू पड़ गया। दमड़ी बोली, माँ यो गरम गरम कई पड़ियो है? तो दमड़ी बोली, दमड़ी ने पूछा, माँ यो गरम गरम कई पड़ियो है? तो माँ बोली, बेटी तेरे जैसी मेरी एक बेटी थी, उसके भी माथे पर ऐसा पदम था, अब तो न जाने कहाँ पर घूम रही है, भटक रही है। तो दमड़ी बोली कि माँ मैं ही थारी बेटी हूँ, और जो घोड़ा की रखवाली करे है थारा जमाई है। तो माँ बोली, बेटी तूने क्यों रूप छिपायो, मारा हीरा घोड़ा की रखवाली पे रखा? तो बेटी बोली कि माँ राजा से दशा माता के डोरे का अपमान हो गया था, उसी का फल हम भोग रहे थे और दर दर भटक रहे थे। अब हमने दशा माता का पूजन किया है तो हमारी दशा अब सुधर गई है, अब हमको हमारे घर जाना चाहिए। माँ से आज्ञा पाकर के विदाई ली। आगे चले, वही तालाब आया, वही चिल मछली लेकर की मछली की पत्तल लेकर के आई। रानी ने मना कर दिया, राजा ने भी मना कर दिया, अब हमको भोजन नहीं, जो कलंक चढ़ा है उस कलंक को उतारना है। आगे चले, वही कुमार कुमारण मिले जो चौरी लेकर के जा रहे थे। राजा रानी दोनों गए तो जो कलश फूट गए थे वो कलश वापस से सब जुड़ गए। क्यों? क्योंकि उनकी दशा अच्छी हो गई थी। फिर आगे चले, उसी बगीचे में पहुंचे तो पहले बगीचा पूरा सूख गया था, लेकिन जब राजा रानी ने पुनः पैर रखा वो बगीचा वापस से हरा भरा हो गया। फिर उसी महल में पहुंचे दोस्त के यहाँ पर जब पहुंचे, उसी कमरे में विश्राम किया। जिस कमरे में मोलली हार को निगल गई थी, उसी कमरे में वह मोलली यानी खुटी हार को उगल रही है। दोस्त की पत्नी को बुला करके कहा कि देखो देखो, यह मुरली हार उगल रही है और तुमने हमको बदनाम कर दिया था, हम चोर नहीं है। उसने कहा चलो ठीक है। आगे गए, वही बहन का गांव आया। दासी पानी भरने आई तो देखे कि भैया भाभी का अच्छा हालत है, बहन को तो वे चक्कर आरती में सब डाल दिया। आगे गए तो राजा रानी का गांव आया। छोरा छोरी कहवे कि राजा रानी आ गया है, सब गांव का लोग बधाने आया। तो राजा का दोनों लड़का भी आ गया, और राजा रानी की निगाह पड़ते ही पहले जैसा ठाट बाट हो गया। हे दशा माता, पहले टूटी वैसे कोई के मत टूट जाए, और पीछे टूटी ऐसी सबके टूट जो। बोलो दशा माता की। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। ये जो बाद में